नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं द चौपाल। साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार भारतीय मीडिया के नए हीरो हैं। इनके बागी प्यार पर मीडिया बलिहारी हुआ जा रहा है। अब तक के प्रेमी जोड़ा आज तक न्यूज 18, न्यूज 24 और NDTV पर आकर अपने बागी और जुनूनी प्यार की दास्तां सुना चुका है। इनके प्यार की कहानियां सुनकर एक बहुत ही तेज चैनल की बहुत ही तेज एंकर इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने लड़की के बिना सबूतों वाले आरोप सुनकर लड़की के पिता का मीडिया ट्रायल कर दिया और उन्हें समाज का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। भारतीय समाज में जिस बाप की बेटी भाग गई हो वो सबसे ज्यादा बदनसीब तो होता ही है, लेकिन इन सबसे तेज एंकर महोदया ने अपने क्रांतिकारी शो में भागी हुई बेटी के पिता को सबसे बड़ा खलनायक और प्यार का दुश्मन भी बना दिया। लेकिन क्या इस एंकर महोदया ने पिता का मीडिया ट्रायल करने से पहले उनका पक्ष जानने की कोशिश की? क्या इन एंकर महोदया ने साक्षी के आरोपों की पड़ताल की? उसके पिता का मीडिया ट्रायल करने से पहले उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है एंकर साहिबा ने इसे जानने की कोशिश की? एंकर साहिबा ने अपने शो में साक्षी, अजितेश और अजितेश के पिता हरीश को बिठाकर शो चलाया जिसकी हेडलाइन थी, मर्जी से शादी की इतनी बड़ी सजा क्यों विधायक जी, बेटी की आप बीती क्या माफ करेंगे विधायक पिता। सिर्फ TRP के लिए सबसे तेज चैनल की इस सबसे तेज एंकर ने साक्षी और अजितेश की बातों पर साक्षी के पिता का चरित्र हनन किया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये इसी चैनल की एक रिपोर्ट कह रही है जिसमें अजितेश कुमार के पड़ोसियों से बात की गई और पड़ोसियों ने खुद अजितेश के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कई लोगों ने कहा अजितेश नशे का आदि था, तो कई लोगों ने उसके कई और लड़कियों के साथ संबंधों का खुलासा किया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अजितेश के ऊपर थाने में कई तरह के मुकदमे भी दर्ज हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लड़के के पड़ोसी उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, वो पड़ोसी जो बचपन से उसे जानते हैं, तो फिर किस आधार पर एंकर महोदया ने साक्षी के विधायक पिता से सवाल कर रही हैं कि मर्जी से शादी करने की इतनी बड़ी सजा क्यों विधायक जी? ऐसी कौन सी सजा दे दी विधायक जी ने अपनी बेटी को? कोई सिर्फ ये कह दे कि मेरे पिता मुझे मारना चाहते हैं तो क्या मीडिया एक पूरा शो चलाकर बिना किसी सबूत के उसके पिता का चरित्र हनन कर देगा? ये वो मीडिया है जो खुद को जिम्मेदार बताता है, ये वो मीडिया है जो सच दिखाने का दावा करता है लेकिन सच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मसाला परोसता है जिससे TRP मिल सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और ये बागी प्रेमी जोड़ा एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का सफर तय करता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी बगावती प्यार की भावुक कहानी एक्सपोज होती जा रही है। कई बातें जो साक्षी और अजितेश चैनलों के स्टूडियो में बैठकर बता रहे हैं वो खुद इनके झूठ की कलई खोल रहा है। कई पॉइंट्स हैं जो साक्षी और अजितेश की कहानी पर सवाल उठाते हैं, आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं कि वे कौन से पॉइंट्स हैं जो इनकी कहानी को गलत साबित कर रहे हैं। पहला पॉइंट, साक्षी पहले दिन से रो रो कर कह रही हैं कि उसे परिवार में आज़ादी नहीं मिली, अपने मन की बात कहने की आज़ादी नहीं दी गई। साक्षी ने ये बात चैनल पर बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ से कहा था कि शीनू को समझा लो वो अजितेश के साथ भाग जाएगी। साक्षी ने यह भी बताया कि उसके मम्मी पापा लखनऊ गए हुए थे और उसका कजिन घर पर था, उसकी बहन भी घर पर थी, मतलब साक्षी के घर वालों को बेटी के अफेयर के बारे में पता था। ये भी आशंका थी कि वह भाग जाएगी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेटी को खुला छोड़ दिया ताकि वे आराम से भाग सके। अगर साक्षी पर इतनी बंदिशें होती जितनी वो चैनलों पर बता रही हैं तो उसके मम्मी पापा कमरे के अंदर ताला लगाए बिना लखनऊ नहीं जाते और साक्षी आराम से घर से निकलकर भाग जाते और कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है दलित कार्ड। अजितेश ने बताया कि वह दलित है इसलिए साक्षी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं। दूसरी तरफ खुद अजितेश ही बता रहा है कि साक्षी के घर में उसका खूब आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना था और वो साक्षी के भाई का बहुत ही गहरा दोस्त था। तो फिर जब दलित होने के बावजूद साक्षी के घर में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ तो फिर दलित होने के कारण विधायक जी उसके जान के दुश्मन बन गए, ये बात समझ से परे है। यही नहीं, मीडिया पर अजितेश के पड़ोसियों ने बताया कि अजितेश तो ठाकुर था, फिर अब वो अचानक से चैनल में बैठ के दलित कैसे बन गया? क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहता था वहाँ सारे लोगों को यही पता था कि ये ठाकुर है, खुद को वो ठाकुर बताता भी था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। साक्षी और अजितेश ने बताया कि वो दोनों प्रयागराज के गेस्ट हाउस में रुके थे लेकिन वहाँ पर साक्षी के पिता के करीबी राजीव राणा के आदमी पहुँच गए तो गेस्ट हाउस वाले ने उन्हें पिछले दरवाजे से भगा दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा गेस्ट हाउस वाला होगा जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक की घर से भागी हुई बेटी को भगाने में मदद करेगा? और फिर जैसा कि साक्षी और अजितेश का दावा कर रहे हैं कि राजीव राणा के आदमी उन्हें ढूंढते हुए प्रयागराज के उस गेस्ट हाउस तक पहुँच गए थे, तो क्या राजीव राणा को
कोई आकाशवाणी हुई थी कि साक्षी और रजतेश प्रयागराज में फलाने गेस्ट हाउस में हैं और उन्होंने कहा जाओ उन्हें खत्म कर दो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो साक्षी और रजतेश के ड्रामा पर सवाल खड़ा कर रही है, जब तक कि एक और मीडिया चैनल ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि अजितेश की पहले भी दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी है, उसने इस पूरे मामले को छुपाए क्यों रखा। 2016 में जिस लड़की से अजितेश की सगाई हुई थी, इसलिए हुई थी क्योंकि अजितेश उस लड़की से प्यार करता था। ये बातें उस लड़की के पिता ने चैनल को बताया, लेकिन फिर 3 सालों बाद अजितेश को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ घर से भागने को भी तैयार हो जाती है। ऐसा प्यार और अट्रैक्शन तो सिर्फ वाइल्ड स्टोन डीओ लगाने के बाद ही होता देखा हमने टीवी पर। अभी इंतजार कीजिए, अभी तो और ट्विस्ट आने हैं इस कहानी में और फिर मीडिया के सिर से भी इस बागी प्यार का खुमार उतरेगा और सच्चाई सामने आएगी। मेरा नाम है सौरभ और आप मेरे साथ देख रहे थे द चौपाल। नमस्कार।